मथुरा के गोवर्धन थाना इलाके में जमीन दिखाकर 15 लाख रुपए ठगने का मामला प्रकाश में आया है। मामला गोवर्धन थाना इलाके के गांव जतीपुरा का है, जहां एक शातिर व्यक्ति ने किसान को अपनी जमीन बेचने के बहाने 15 लाख रुपए की मोटी रकम लेकर ठगी कर ली। जब यह मामला किसान रतन सिंह के बेटे पप्पू ने ग्रामीणों को बताया तो हंगामा मच गया। जतीपुरा के सैकड़ों ग्रामीण पीड़ित पप्पू को लेकर देर शाम थाना गोवर्धन पहुंचे, जहां पीड़ित पप्पू ने आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जी, क्या नाम है आपका? गिरिराज और पप्पू। अच्छा, क्या मामला है पूरा? ये जो आप पूरी भीड़ लेके और पूरे गांव वालों को लेके साथ में है, क्या मामला है ये पूरा? ये मामला है कि हमने बरौली चौथ के हरि किशन उर्फ चैता से 622 नंबर का खेत रकबा खरीदा था 25 लाख रुपए में। 5 लाख रुपए का एग्रीमेंट के टाइम दिया और बाकी पैसा हमने 16.5 लाख रुपए इसके पास में पहुँच गया, बैनामा करने भी पहुँच गए ये। और ढीक से तहसील से चेकों को फेंक कर, हमने 8 लाख के चेक लगाए, चेकों को फेंक करके ये भाग आए, बैनामा नहीं किया। क्या कारण रहे, क्या सिस्टम था? ये भूमाफिया किस्म के आदमी है, गुंडा है ये। हमने 10-5 बार पंचायत भी किए तो गाली गलौज देते हैं, मारपीट की भी धमकी देते हैं कि हम खत्म कर देंगे, हमारे सामने कोई भी नहीं है, है कौन है, हम राजा के आदमी है, राजा की भी धमकी देते हैं ये हमको। इससे पहले आपने थाने में कोई कार्रवाई की सूचना दी थी? नहीं, पहले तो नहीं दी, लेकिन एक बार हम जब जिस दिन बरौली में हमने पैसे दिए थे उस दिन ने पैसे लेकर के भाग के आए थे, उस दिन हमने गोवर्धन थाने में तहरीर है। सामाजिक बतौर कोई पंचायत है या फिर कुछ ऐसा हुआ? सामाजिक बतौर हमने इनके घर पे जाकर के बरौली में 4 से 8 बार पंचायत कर चुके हैं। बहुत पूंछड़ी के आदमी थे, जतीपुरा के आदमी और बरौली के आदमी भी थे। क्या हुआ था? लेकिन पंचायत में किसी की नहीं मानता है और गाली गलौज देता है, मारपीट की धमकी देता है, गोली मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, उल्टी सीधी धमकी देता है। ना मैं पैसे दूंगा ना खेत दूंगा। ये 15 लाख रुपए ले लिए गए थे उससे। सर, जतीपुर हमें ठगी का मामला है, क्या मामला है, पूरा प्रकरण क्या है? जमीन के मामले पर ठगी की कर ली जाती है और गांव के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये जतीपुरा में एक ऐसा मामला संज्ञान में आया है कि वहाँ पर पहले पैसा लिया और उसको ज़मीन नहीं दिया, और शायद उसमें उसने अपना जो अनुबंध आदि है वो भी कराया है। ये मामला विशुद्ध न्यायालय का है और अपना न्यायालय में जाके पैरवी करें। यदि कोई क्रिमिनल केस बनेगा तो मैंने इंस्पेक्टर को निर्देशित किया है कि उस पर जाँच करेंगे और उस पर विधिक कार्रवाई।